सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक न्यूज प्राप्त हो रही है कि आप लोग के डीएलएड का एग्जाम स्थगित हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग के डीएलएड की परीक्षा स्थगित हो गई है, यानी कि जो आपकी परीक्षा होनी थी 23 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक वो स्थगित हो गई है। यहाँ पर देखिए न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश का ये चैनल है, उस पर यहाँ पर देखिए हेडलाइन दे रहा था नीचे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी परीक्षा 23 मार्च से होने वाली थी, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है 23 मार्च शुरू होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल न्यूज आ गई है कि आप लोग की जो परीक्षा है डीएलएड की वो स्थगित हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग बार बार कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि मैम एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों अब हम पूरे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि अब आपका एग्जाम नहीं होगा। यानी कि अब आपका एग्जाम कब होगा, अब आपका एग्जाम होगा 2 अप्रैल के बाद, क्योंकि यूपी में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बरेली हो, या फिर सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, सभी की परीक्षाएं टल गई हैं और सभी के नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। आप यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर लिखा गया है कि अभी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, इसी तरीके से दोस्तों हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हुए हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जगहों पर एग्जाम कैंसिल होने की खबर आ रही है। दोस्तों इस स्थिति में कि अब आप लोग का भी एग्जाम कैंसिल हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज को आपको बिल्कुल इससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि अब हमारा एग्जाम नहीं होगा, अब हम क्या करें, और इतनी सारी प्रिपरेशन की थी हमने। तो दोस्तों आपने जो पढ़ा था वो कहीं चला नहीं गया, आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया, वो बहुत अच्छा काम किया आपने। आप अब आपके पास जो टाइम बचा है उस पर आप और मेहनत करिए और तैयारी करिए, आप जितनी तैयारी करेंगे आपका वो सब्जेक्ट उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों लगातार ऐसी तैयारी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, और आप लोग तो जानते हैं हम लोग लगातार आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, और इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं कि आप लोग बहुत ही आसान भाषा में अपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए चले। लगातार हम लोग आपको ऐसे ही वीडियोस देते रहेंगे, चाहे संस्कृत हो, कंप्यूटर हो, मैथ हो, लगातार आपको रोज वीडियोस मिलेंगी, और आपको लगातार रोज पढ़ना भी है, ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। हमारे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे ही आपको पढ़ते भी चलना है, और जब तक आप लोग का एग्जाम हो नहीं जाता तब तक हम लोग जी जान से आप लोग के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे जैसे अब तक करते हुए आ रहे थे। चाहे आपका एग्जाम टला हो या ना टला हो, जब तक आप लोग का एग्जाम हो नहीं जाता है तब तक हम लोग आप लोग के साथ ऐसे ही मेहनत करेंगे हर सब्जेक्ट पर। दोस्तों एग्जाम पोस्टपोन भले ही हो गया, लेकिन जैसे हम रोज आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहे थे, रोज आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट को आसान बना रहे थे, वैसे ही लगातार हम रोज वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, चाहे मैथ की वीडियो हो, संस्कृत की वीडियो हो, कंप्यूटर की वीडियोस हो, लगातार आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी और लगातार आपको ऐसे ही हम मोटिवेट करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, और बिल्कुल तैयारी में ढील नहीं देनी है। अगर एक बार आप कॉपी किताब बंद करके बैठ गए तो फिर आप खोल नहीं पाएंगे उसको, और जो आप पढ़े हुए हैं वो भी भूल जाएंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जितने भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे उनको आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो वीडियोस हमने पहले भी बना दी है, अगर आपने उनको नहीं कम्प्लीटली देखा है तो आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसको आप अवसर के रूप में लीजिए कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो गया, अब आपको पढ़ने के लिए और समय मिल गया है। तो और समय मिल गया है तो उसमें आपको और मेहनत करनी है, जहां कहीं कोई कसर बाकी रह गई थी उस सब्जेक्ट पर आपको और मेहनत करनी है। मान लीजिए आपने मैथ पर कम मेहनत किया था या संस्कृत पर कम मेहनत किया था, अब संस्कृत और मैथ पढ़ने के लिए आपके पास और टाइम हो गया, आप जितना उस पर मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और लगातार पढ़ते हुए रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप डीएलएड का एग्जाम ही नहीं क्रॉस करेंगे, बल्कि आप समझ लीजिए अपने यूपी टेट और सीटेट का बेस भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपने चैनल पर आपको इस तरीके से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं कि आप लोग के सीटेट और यूपी टेट की तैयारी भी साथ साथ होती चल रही है। तो दोस्तों आपको लगातार हम लोग आपके साथ, जब तक आपका यूपी टेट सीटेट नहीं निकल जाएगा तब तक हम लोग आपके साथ ऐसे ही मेहनत करेंगे और आपको टीचर बना के रहेंगे। तो बस आपको क्या करना है, आपको लगातार हमारे वीडियोस को देखना है, और जहां कहीं नहीं समझ में आता है आपको कमेंट करना है, हम आपके कमेंट का आंसर देंगे, और अगर आपको वीडियोस बनाने को कहेंगे किसी टॉपिक पर तो हम वो भी बनाएंगे आपके लिए। बस लगातार आपको ऐसे वीडियोस को देखते रहना है, और
जहां भी ना समझ में आए डाउट हो हमको हमसे पूछते रहना, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको लगातार ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ बना करके रखनी है और लगातार ऐसे ही पूरे मनोयोग के साथ पूरे उत्साह के साथ आपको परीक्षा के लिए तैयारी ऐसे ही करते रहना है। भले ही 2 अप्रैल तक हो गया है बंद, लेकिन 2 अप्रैल के बाद जब भी आपका कॉलेज खुलेगा तो एग्जाम तो होगा ही, आज नहीं तो कल। अब आपका फॉर्म भरा गया है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है, तो आपका एग्जाम तो अब होना ही है। आज नहीं होगा तो कल होगा, अगर अभी टल गया अगले महीने में होगा। तो आपके पास 2 हफ्ते का टाइम जो और मिल गया है, मान लीजिए 2 हफ्ते का मिल गया, तो उसको आप और उस पर मेहनत करिए, जहां पर कमी रह गई है उसको और मेहनत करके पूरा करिए। तो लगातार अगर आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो आप दोस्तों बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे डीएलएड में। और दोस्तों मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि आप लोगों का डीएलएड में जितना अच्छा नंबर रहेगा वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जब भी आपकी जॉब लगेगी तो आपका एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छा रहेगा। और अभी जो नियम है एकेडमिक मेरिट का 40% और जो आपका सुपर टेट में रहेगा उसका 60% होता है। तो ये अगर आप अभी से भी डीएलएड मेहनत कर रहेंगे तो आपके डीएलएड का नंबर आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देगा। तो लगातार ऐसे ही दोस्तों देखते रहिए वीडियोस को और लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए। और दोस्तों हम लोग तो आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं, तो लगातार ऐसे हमारे चैनल से बने रहिए। और दोस्तों आप लोगों के लिए डीएलएड के लिए हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी मटेरियल बना दिया है। इसके हम लोगों ने राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुविकल्पी, अति लघुत्री, लघुत्री। इसके अलावा आप ही लोगों की डिमांड पे हम लोगों ने पवन सीरीज भी पूरा पढ़ा दिया है। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से ये सभी चीजों को देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ भी सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर तो हम लोग रेगुलर लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हम लोगों ने आप लोगों का हर एक विषय को इतना इजी करके पढ़ाया, यानी कि किस विषय की तैयारी किस तरीके से करें और किस में कितना पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट का हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है आप लोगों के लिए। और आप लोग उन वीडियोस को बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं और हम लोग का बहुत ही उत्साह वर्धन भी किया उन वीडियोस के द्वारा। तो दोस्तों ये सब लगातार आप लोग के कमेंट्स मिलते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा भी उत्साह वर्धन होता है कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उन पर कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो डाउट में हैं उनको बोलिए कि अब यहाँ पर एग्जाम की डेट टली है लेकिन अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारे चैनल के थ्रू, आपको रेगुलर वीडियोस को देखना है और जहां कहीं नहीं समझ में आता है हमसे कमेंट के थ्रू आपको ऐसे ही पूछना है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। वहां पर जुड़ करके आप हमारे चैनल के थ्रू आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी वहां से मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब आपकी परीक्षा 2 अप्रैल के बाद ही होगी, तो जैसे ही पीएनपी का जारी किया हुआ प्रपत्र हमें मिलता है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे और वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर अभी हमें प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों देखिए आप लोगों के डीएलएड की परीक्षाएं अब स्थगित हो चुकी हैं, पीएनपी के द्वारा ही कहा गया, लेकिन ऑफिशियल लेटर अभी हमें नहीं मिला है इसलिए हम यहाँ पर आपको उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें मिलता है हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे और वहां पर उस नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे जो पीएनपी के द्वारा जारी किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद।